हेलो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी लेट नाइट को मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने की क्यों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो दिन है 22 अगस्त 2018 वो इंडियन स्पोर्ट्स के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि आज तीन ऐसी घटनाएँ हुई हैं और तीनों घटनाओं में या तीनों स्पोर्ट्स के फील्ड में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा दिखा है। तीन घटनाएं, सबसे पहले जो नॉटिंगम में टेस्ट मैच खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच में, वहां पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 203 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। वहीं अगर दूसरी जगह की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें जो कि जकार्ता में खेली जा रही है इस समय, वहाँ पर मेन्स हॉकी टीम ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया, बहुत ज़्यादा मैं खुश नज़र आ रहा हूँ। और आप भी जब स्कोर लाइन सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई मैच ही खेल रहे थे या क्या हो रहा था, मजाक तो नहीं हो रहा था। वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने हांगकांग की टीम को 26-0, जी हां 26-0 से मैच में हरा दिया। और जो तीसरी सबसे अच्छी खबर आई वो एशियन गेम्स से ही आई, जहां शूटिंग में राही सरनोबत ने भारतीय शूटिंग टीम के लिए, भारतीय शूटिंग टीम जो है उसके लिए स्वर्ण पदक जीता है और पहली ऐसी महिला शूटिंग खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया है। वाकई में राही सरनोबत को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन शुरुआत करते हैं नॉटिंगम टेस्ट मैच से। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 521 रनों की चुनौती थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम कल ही मैच हार गई थी चौथे दिन ही, और आज सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई थी, एक विकेट लेना था। और बहुत ही आसानी के साथ अश्विन ने जेम्स एंडरसन को आउट कर दिया और भारतीय टीम 203 रनों के बड़े अंतर से मैच जीतने में कामयाब हो गई। विराट कोहली के चेहरे पर वो खुशी साफ नजर आ रही थी, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस समय विराट कोहली ने कहा भी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। हालांकि कई सारे लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने टीम पर पूरा भरोसा किया था और सिर्फ एक कमी रह रही थी अब तक, जो टेस्ट मैचेस हम हारे थे, हमारी बल्लेबाजी जो है वो अपने काबिलियत के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस मुकाबले में, ट्रेंट ब्रिज के मुकाबले में, हमारे बल्लेबाजों ने रन बनाया और ख़ासतौर पर कप्तान विराट कोहली ने खुद रन बनाया। हालांकि पहली पारी में शतक से चूक गए, 97 पे आउट हो गए, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने उस गलती को दोहराया नहीं और शतक लगाया। पूरे मैच में 200 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी बने विराट कोहली ने। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया, चाहे हम बात कर लें जसप्रीत बुमराह की, चाहे हम बात कर लें ईशांत शर्मा की, चाहे हम बात कर लें मोहम्मद शमी की, या फिर बात कर लें आर अश्विन की, सबने अच्छा योगदान दिया। हार्दिक पांड्या ने पहली पारी में 5 विकेट लिए, तो एक बहुत अच्छी बात रही कि भारतीय टीम ने 203 रनों से इंग्लैंड को हराया, मेज़बान इंग्लैंड को उन्हीं के घर में। और जो श्रृंखला में इंग्लैंड की टीम 2-0 से आगे थी, अब 2-1 से आगे नजर आ रही है। हालांकि दो टेस्ट मैच अभी और होने बाकी हैं और ऐसे में जो भारतीय टीम का मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो यकीनन अब सातवें आसमान पर होगा। ये तो एक अच्छी खबर रही। दूसरी खबर जिसका हमने अभी आपको जिक्र किया था कि हॉकी के मैदान से, जहां पर कि एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने, मेंस हॉकी टीम ने हांगकांग की टीम को 26-0 के बड़े अंतर से हरा दिया, और ये भारतीय टीम के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1932 ओलंपिक्स खेल में भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की टीम को 24-1 से हराया था, लेकिन अब हांगकांग की टीम को एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने 26-0 से हराकर एक नया इतिहास रच दिया। 86 साल पुराना इतिहास को तोड़ते हुए एक नया इतिहास बना दिया, और भारत की तरफ से रुपेंद्र पाल सिंह 5 गोल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह ने 4 गोल किए और आकाशदीप सिंह ने जो हैं उन्होंने 3 गोल दागे, यानी कि सिंह इज किंग जो कहा जाता है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और वाकई में जो इस तरीके से गोल किए गए उसके बाद से हांगकांग की टीम के पास कुछ बचा नहीं, एक भी अटैक नहीं कर पाई हांगकांग की टीम, और करती भी कैसे, मौका ही नहीं मिला उनके पास। पहले जो क्वार्टर था उसमें भारतीय टीम ने 6 गोल दाग दिए थे, दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने 6 गोल दागे, उसके बाद फिर जो तीसरा क्वार्टर था उसमें सिर्फ 4 गोल दाग पाई भारतीय टीम, और जब आखिरी क्वार्टर आया वहां पर फिर से 8 गोल दागने में कामयाब हो गई, और 26-0 के बड़े अंतर से इस मैच को न सिर्फ जीतने में कामयाब हुई बल्कि नया इतिहास भी रच दिया। हालांकि एक स्टैट बता दूं, जो सबसे बड़े अंतर से हॉकी का कोई मैच जीतने का कारनामा है वो न्यूजीलैंड की टीम ने किया, जब उन्होंने 1994 में
एक टीम को हराया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने 36-1 के बड़े अंतर से उस टीम को हरा दिया था। न्यूजीलैंड की टीम ने वो कारनामा किया है। और जो तीसरी सबसे बड़ी घटना और मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छी लगी वो राही सरनोबत की, जो कि पहली महिला शूटर बन गई है जिन्होंने भारत के लिए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर निशाना लगा दिया है। कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया। और जो फाइनल जब मुकाबला चल रहा था वहां पर भी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था, लेकिन बिल्कुल भी वो नर्वस सिचुएशन में ब्रेकडाउन नहीं हुई। और शूट ऑफ में जब मुकाबला गया वहां पर राही सरनोबत ने स्वर्ण पर निशाना साध दिया और भारत के लिए पहली ऐसी महिला शूटर बनी है जिन्होंने कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा किया। और ये भी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक साल ठीक पहले उनके कोहनी में बहुत मेजर इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, और आप उन चीज़ों को हटा नहीं सकते। राही सरनोबत को बहुत बहुत बधाई उनके प्रदर्शन के लिए, और न सिर्फ उनके प्रदर्शन के लिए, जिस तरीके से बाकी भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रदर्शन किया है, हॉकी की टीम ने प्रदर्शन किया है, और राही सरनोबत ने जो प्रदर्शन किया है उसे देखकर कहा जाएगा कि वाकई में भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो पूरे दमखम के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे स्पोर्ट्स फील्ड में और भी घटनाएं होंगी और भी खबर आएंगी, मैं अभिषेक कुमार झा आपको सारे अपडेट्स देता रहूंगा। मेरे चैनल को स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, और उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। नए तरीके से, नए स्टाइल से मैं आपको सारी खबरें बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।